आज शाम से पहले एक और लोंडिया उठा रहा हूँ, 2 दिन बाद वो भी किसी नाले में बहती मिलेगी, दमाए तो रोक ले जा। You've been played, Shivani. Hello friends, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म मर्दानी 2 के 3 दिनों के अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और साथ ही में दोस्तों जानने वाले हैं इस फिल्म का हम लोग वर्ल्ड वाइड का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मर्दानी 2 जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, यह फिल्म दोस्तों 2014 में आई फिल्म मर्दानी का सिक्वल है, और इस फिल्म के लीड में आपको रानी मुखर्जी और विशाल जेठवान नजर आए हैं। दोस्तों बता दें आपको कि इन दोनों ही एक्टर्स ने इस फिल्म में इतनी जानदार कमाई की है कि ऑडियंस को दोस्तों ये फिल्म बेहद ही पसंद आ रही है और 2019 की बेस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि रेप और मर्डर के ऊपर बनाई गई इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी अच्छे रिव्यूज ऑडियंस की तरफ से भी मिल रहे हैं, वहीं दोस्तों क्रिटिक्स भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छी बता चुके हैं। इसी वजह से दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी शानदार कमाई की और कमाया 3,80,00,000 रुपये, जो कि रानी मुखर्जी की पिछली फिल्म हिचकी से और मर्दानी के पहले पार्ट मर्दानी 1 से ज़्यादा अच्छी कमाई थी। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग सेकेंड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिलने के बाद इस फिल्म के सेकंड डे के कलेक्शंस में काफी शानदार ग्रोथ देखने को मिली और इस फिल्म ने अपने सेकंड डे में कमाए लगभग 6,40,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो 2 दिनों का टोटल कलेक्शन था वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10 करोड़ रुपए का हो चुका था। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया सहित ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर भी खूब पसंद किया जा रहा है, इसीलिए दोस्तों इस फिल्म ने अपने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर मात्र 2 ही दिनों में 4 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की है। वही दोस्तों आज अपने 3रे दिन भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि आज संडे होने के कारण इस फिल्म के जो कलेक्शंस है उसमें काफी शानदार ग्रोथ देखने को मिली और दोस्तों आज की इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो दिखा रही है 12 से 15% की, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी दोस्तों इस फिल्म की दिखा रही है 20 से 25% की, वही दोस्तों इवनिंग ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की दिखा रही है 35 से 40% की। यानी कि दोस्तों आज भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1800 स्क्रीन पर लगने के बाद लगभग 8 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 18.5 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका होगा। वहीं अगर बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों में लगभग 27 करोड़ की कमाई कर चुकी होगी। बताते चले दोस्तों आपको कि इसी के साथ ये फिल्म कमांडो 3 के फर्स्ट वीकेंड से भी ज्यादा कमाई कर चुकी होगी। वहीं दोस्तों पिछले हफ्ते रिलीज हुई हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा फिल्म पानीपत के 3 दिनों के कलेक्शन से भी ज्यादा कमाई कर चुकी होगी। बताए दोस्तों आपको कि इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने काफी बेहतरीन काम किया है और इसी वजह से दोस्तों उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल सकता है। तो आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या इतने अच्छे रिव्यूज के बाद यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 60 से 80 करोड़ के बीच की कमाई कर पाएगी या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।